हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज दीप्ति हियर। फ्रेंड्स, बहुत टाइम हो गया था मैंने आप लोगों के साथ कोई वीडियो शेयर नहीं किया था। जैसा कि आप टाइटल से समझ ही गए होंगे कि मैं आज आपके साथ ऑक्सीलाइफ ब्लीच का रिव्यू प्लस डेमो शेयर करने जा रही हूं, और मैं आपको आज बताऊंगी कि आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ब्लीच एप्लीकेशन से पहले मैं ब्लीच के बारे में कुछ चीजें क्लेरिफाई करना चाहती हूँ। ब्लीच आपके स्किन को फेयर लुक नहीं देता, यानी कि आपके स्किन को फेयर नहीं बनाता है। ये आपके स्किन पर जो ब्लैक हेयर होते हैं उनको गोल्डन कलर कर देता है, जिससे हमारी स्किन जो है एक से दो टोन फेयर लगती है और इवन लगती है। आप सेकंड थिंग, ब्लीच परचेस करने से पहले आप ब्लीच के इंग्रेडिएंट्स को जरूर चेक कर लीजिएगा। आप प्रेफर कीजिएगा कि आप नो एडेड अमोनिया ब्लीच ही परचेस करें, क्योंकि जिन ब्लीच में अमोनिया होता है वो आपके आई से उनसे टीयर्स निकल सकते हैं, आपके फेस पर रेडनेस आ सकती है, फेस पर दाने हो सकते हैं, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को वो ब्लॉकेज कर सकती है। तो आप प्रेफर करें कि नो एडेड अमोनिया ब्लीच ही अपने फेस पर अप्लाई करें। तो सबसे पहले मैं आज आपको ऑक्सीलाइफ ब्लीच के बारे में बताऊंगी। यह है ऑक्सीलाइफ नेचुरल रेडियंस 5 क्रीम ब्लीच। तो ये बड़ा पैक है 21 ग्राम का, और इसमें 3 ग्राम एक्टिवेटर है। ये क्लेम करती है ये आपके डार्क स्पॉट्स को रिमूव कर देती है, अनइवन स्किन टोन को रिमूव करती है, डल स्किन टोन को रिमूव कर देती है, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करती है, और आपकी स्किन से सनटैन हटा देती है। अब ये इसका जो 21 ग्राम पैक है वो 82 रुपीज का है। आप अगर इसको ऑनलाइन ऑफलाइन देखते हैं तो आपको थोड़ा बहुत तो डिस्काउंट मिल सकता है, और इसकी सेल्फ लाइफ 2 इयर्स है। फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर लिखा है नो एडेड अमोनिया विद एक्टिव ऑक्सीजन। ऑक्सीजन स्किन को ग्लोइंग बनाता है, और इसमें एक पोस्ट ब्लीच स्किन रेडियंस सीरम भी दिया है जो आपके इफेक्ट को लॉक कर देगा और आपको फेयर लुक देगा और आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा। तो इसको मिक्स करने का तरीका है, इसमें 7 ग्राम क्रीम में हमें 1 ग्राम एक्टिवेटर मिलाना है। तो मैं प्रॉपर तो इसका ग्राम पता नहीं चलेगा, तो यहां पर मैं 2 स्पैचुला क्रीम ले लूंगी। तो मैं यहां पर 2 स्पैचुला क्रीम ले लूंगी। ये इस तरीके की क्रीम पैकेजिंग आती है इसकी। आपको जो क्वांटिटी लेनी है क्रीम के अकॉर्डिंग टू योर फेस लेनी है। ये आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं इतना एक्टिवेटर ऐड करूंगी। और आपको इसको मिक्स्ड वेल कर लेना है। अब मैंने ब्लीच को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, और मैंने अपने हेयर पर बैंड लगा लिया है, जिससे मेरे हेयर पर ब्लीच नहीं लगेगी और इनका कलर भी चेंज नहीं होगा। ब्लीच लगाने से पहले आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है, और फेस वॉश के लिए आप कोई भी माइल्ड सोप यूज कर सकते हैं या फिर फेस वॉश यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ब्लीच को आपको ऊपर से नीचे की ओर लगाना है, जिससे आपके हेयर अच्छी तरीके से कवर हो जाए। आपको अपने आईज को अवॉइड करते हुए ब्लीच को लगाना है।
ब्लीच लगाने के बाद आपको आफ्टर 12 आवर फेस वॉश नहीं करना है। आप फेस वॉश तो करेंगे लेकिन आपको प्लेन वाटर से ही फेस वॉश करना है, कोई भी फेस वॉश यूज नहीं करना है, कोई भी सोप यूज नहीं करना है, और आपको अपनी स्किन को तुरंत एक्सपोज नहीं करना है सनलाइट में। तो आप इंश्योर हो जाएं कि आप इसको शाम के समय ही लगाएं। ब्लीच लगाते समय आप नेक पर जरूर ब्लीच लगाएं, नहीं तो आपकी स्किन अनइवन दिखेगी। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि मैंने ब्लीच को अप्लाई कर लिया है। ब्लीच को अप्लाई करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपकी अगर डार्क स्किन टोन है तो आपको 10 मिनट्स तक ब्लीच को अप्लाई करना है, और आपकी वीटेस स्किन टोन है तो आपको 15 मिनट्स तक इसको अप्लाई करना है, और आपकी अगर फेयर स्किन टोन है तो इसको आपको 20 मिनट्स तक अप्लाई करना है। अब फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जिनकी स्किन टोन डार्क है तो वो 10 मिनट्स तक अप्लाई क्यों करें। जिनकी स्किन टोन डार्क होती है उनके हेयर, जो स्किन के हेयर होते हैं वो भी ब्लैक होते हैं, और वो अगर ज्यादा टाइम तक अप्लाई करेंगे तो वो ज्यादा गोल्डन हो जाएंगे और वो दूर से ही विजिबल हो जाएंगे। तो इसलिए वो इंश्योर करें कि वो 10 मिनट से ज्यादा ब्लीच को अप्लाई नहीं करें। फ्रेंड्स, मेरी फेयर स्किन टोन है तो मैं इसको 20 मिनट्स तक अप्लाई करूंगी और उसके बाद मैं इसको रिमूव कर दूंगी। रिमूव करने के लिए आप स्पैचुला, कॉटन कुछ भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको प्लेन वाटर से भी वॉश कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको 20 मिनट तक अपने फेस पर लगे रहने दूंगी, उसके बाद मैं इसको वॉश करूंगी। फ्रेंड्स, अब 20 मिनट्स हो गए हैं, अब मैं इसको स्पैचुला से रिमूव करूंगी। अब स्पैचुला से क्लीन करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से वॉश करूंगी। वॉश करने के लिए मैं प्लेन वाटर यूज करूंगी। देख सकते हैं मैंने अपनी ब्लीच को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया है, लेकिन मैंने थोड़ा ब्लीच को लगा रहने दिया है जिससे आप देख सके कि मैंने ब्लीच को अभी वॉश किया है, और आप देख रहे हैं कि मेरे फेस पे कोई भी दाना नहीं है। और ये मैंने इसलिए लगा रहने दिया जिससे मैं आप लोग को प्रूव करूं कि मैंने अभी जस्ट वॉश किया है। तो मैं अब इसको अच्छी तरीके से रिमूव कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ कॉटन। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरीके से रिमूव कर दिया है। अब मैं ऑक्सीलाइफ नेचुरल रेडियंस 5 आफ्टर ब्लीच सीरम यूज करूंगी, या पोस्ट ब्लीच सीरम। और इसको मैं अपने हैंड पे ले लूंगी। और इसको आपको रब करके लगाना है। और इसकी आपको अच्छी तरीके से मसाज करनी है 2-3 मिनट्स, जब तक ये आपकी स्किन में फुली अब्सॉर्ब ना हो जाए। ये स्किन सीरम आपकी जो स्किन में ब्लीच का इफेक्ट है उसको लॉक कर देगा और आपके स्किन को ग्लोइंग बनाएगा। फ्रेंड्स, आपको इस सीरम को अपनी नेक में भी लगाना है, क्योंकि मैंने ब्लीच नेक पर भी की थी और आपको भी अपनी नेक पर ब्लीच करना है जिससे आपकी ब्लीच इवन दिखे। अब आप देख सकते हैं कि ये फुली अब्सॉर्ब हो गया है मेरी स्किन में। आपको धूप में नहीं जाना है, आपकी स्किन को आपको एक्सपोज नहीं करना है।
आप देख सकते हैं इसका इफेक्ट। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये रिव्यू प्लस डेमो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।